ड्यूटी, सेवा तो गधा भी करता है, तो गधे जैसी सेवा करनी है, है? कैसी सेवा करनी है? ऐसी सेवा करनी है जो ऊंचते ऊंचे भगवान बाप के द्वारा सेवा हमको दी गई हो। कैसी सेवा करनी है जो ऊंचते ऊंच भगवान बाप के द्वारा हमें सेवा दी गई हो, भले झाड़ू लगाने की दी गई हो, लैट्रिन साफ करने की दी गई हो, हम अंदर में समझेंगे हमें तो बहुत खराब काम दे दिया, लेकिन असलियत तो कौन जानता है? बाबा जानता है कि हमारा जल्दी उद्धार किस काम से होगा। तो बाप की दी हुई ड्यूटी निभानी है या मनमानी सेवा करनी है? ड्यूटी निभानी चाहिए, इसलिए ड्यूटी इज ब्यूटी कहा जाता है। बाकी गधे की ड्यूटी, जैसे आज के लोग कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है, कर्म करते रहो। लेकिन कौन सा कर्म करते रहे? अरे धोबी के अंदर में गधा काम करता है वो कर्म करते रहे, या बड़े से बड़ा धोबी है भगवान उसने जो कर्म निर्धारित किया है वो करें? बड़े बड़े ऑफिसर क्या समझते हैं, कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे, टाइम से जाएंगे और टाइम से उठेंगे और बड़े अच्छे तरीके से सेवा करेंगे, समझते हैं हम कर्मयोगी हैं। अरे तुम कर्म तो कर रहे हो, भले जज की पोस्ट पे बैठे हुए हो, लेकिन किसके अंडर में कर रहे हो? भ्रष्टाचारियों के अंडर में या शिष्टाचारियों के अंडर में? भ्रष्टाचारियों के अंडर में कर रहे हो, तुम तो गधे से भी बदतर हो। गधा तो फिर भी अच्छा है, जान के नहीं करता,